राखी सावंत इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में हैं। पहले आदिल के साथ अचानक शादी की खबरों से उन्होंने तहलका मचा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने आदिल के लिए धर्म बदल लिया है और अब फातिमा नाम रख लिया है। मगर हंगामा तब बरपा जब राखी सावंत ने आदिल खान दुर्रानी के खिलाफ FIR करवाई कि उन्होंने राखी के साथ मारपीट की और पैसे का गबन किया। फिर राखी सावंत ने तनु चंदेल का नाम लेकर खुलासा किया कि वह आदिल की गर्लफ्रेंड है। अब राखी सावंत ने चौंकाने वाला दावा किया है कि तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। राखी सावंत ने शौहर आदिल खान के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कही थी। उन्होंने तनु चंदेल उर्फ निवेदिता का नाम लेकर आदिल पर अफेयर की बात कही थी। अब राखी ने शॉकिंग खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, इसीलिए वह बाहर आकर शादी भी करने वाले हैं। राखी सावंत ने पेपराजी से बात करते हुए कहा कि आदिल को बेल नहीं मिली है, मैं तो हैरान हूँ। पहले शादी की खबर और अब निवेदिता तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, तभी वो शादी करने वाली है। तनु को बाहर आकर बताना चाहिए कि वह प्रेग्नेंट है कि नहीं। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मुंबई और मैसूर पुलिस का, जिन्होंने आदिल के खिलाफ रेप मामले को उजागर किया। ये बहुत हैरान करने वाला है। तनु चंदेल ने राखी सावंत के आरोपों के बाद प्रतिक्रिया शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था कि राखी मुझे इन सब में मत घसीटो, मैंने तुमको और तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बताया है कि मैं आदिल के साथ नहीं हूँ, ये तुम्हारा और तुम्हारे पति का मैटर है, प्लीज मुझे इन सब में मत लाओ।